नमस्कार दोस्तों, नेटिव टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि BHU में रेगुलर कोर्स के साथ साथ अन्य कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि BHU में पढ़ते हुए BHU के अंदर ही पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च कैसे निकालें। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज डिप्लोमा। अगर आप विदेशी भाषाएं सीखना चाहते हैं तो BHU में रेगुलर कोर्स के साथ ही आप 2 साल का लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसका फॉर्म सितंबर महीने में आता है। इसमें सभी विदेशी भाषाओं जैसे चाइनीज, पाली आदि का डिप्लोमा कोर्स करने की सुविधा है। इस लिस्ट में अगला नाम NCC का है। इस नाम से तो आप स्कूल में परिचित ही होंगे। एडमिशन के तुरंत बाद ही NCC का फॉर्म निकलता है, तो अगर आप NCC ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कहीं ये फॉर्म जल्दी से निकल ना जाए। इस लिस्ट में अगला नाम योगा सर्टिफिकेट का है। योगा सर्टिफिकेट 28 दिन का योग कोर्स होता है। इसके फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं, जिसमें मालवीय भवन में आपको योग प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर आप पर्वत चढ़ने के शौकीन हैं और आपको ट्रैकिंग अच्छा लगता है तो आप BHU से माउंटेनिंग का कोर्स कर सकते हैं, वो भी अपने रेगुलर कोर्स के साथ। इसका फॉर्म NSS कार्यालय पर उपलब्ध होता है। NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसके तहत विश्वविद्यालय के पास ही कई कार्य सेवार्थ किए जाते हैं और आप पढ़ाई के साथ ही इसे करके सर्टिफिकेट पा सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। इस लिस्ट में दोस्तों अगला नाम है स्विमिंग का। अगर आपको तैराकी में रुचि है तो मार्च के महीने में निकलने वाले स्विमिंग के फॉर्म को भरकर आप अपना एक अलग हुनर प्राप्त कर सकते हैं। इस लिस्ट में अंतिम नाम स्पोर्ट्स का है। अगर आपकी किसी भी स्पोर्ट्स में रुचि है तो आप उससे जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स में आपको कैरियर बनाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं BHU के अंदर ही पार्ट टाइम जॉब करने की। इस सुविधा का नाम अर्न वाइल लर्न है। यह स्कीम BHU प्रशासन द्वारा गरीब और मेधावी छात्रों के लिए चलाई जाती है। नवंबर दिसंबर में निकलने वाले इस फॉर्म को भरकर आप BHU में ही 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च निकाल सकते हैं। वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।